अयोध्या में 4 दिवसीय राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 का सरयू तट पर स्थित राम की पैड़ी पर समापन हो गया। इससे पहले ओलंपिक में खेली जाने वाली रिकर्व बो प्रतिस्पर्धा की 43वीं सीनियर रिकर्व चैंपियनशिप में SSCB के तरुणदीप राय और हरियाणा की संगीता विजेता रहीं। तरुणदीप राय ने 720 में से 689 और संगीता ने 668 अंक लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस दौरान पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खेल नीति से खेलों को पुनर्जीवन मिला है। उत्तर प्रदेश पहले भी खेलों में आगे था, जिसमें सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हर उस खिलाड़ी को अब प्रोत्साहित कर रहा है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं जीती हैं। तीरंदाजी हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई है। भगवान राम ने लंकापति रावण को धनुर्विद्या से ही परास्त किया। अर्जुन, द्रोणाचार्य और एकलव्य जैसे धनुर्धर हमारे पौराणिक गौरव हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं अयोध्या में आके, राम नगरी में आके मुझे स्वर्ण पदक मिला है। ऐसे लग रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम नेशनल चैंपियन बना हूँ। इसके पहले मुझे अभी रिसेंटली जो एशियन गेम्स हुआ है उसमें सिल्वर मेडल था। और बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और बहुत अच्छा सेटअप लगाया है, जो वेन्यू है बहुत अच्छा है मैच का। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि गोल्ड मेडल जीता हूँ और भगवान राम का भी आज आशीर्वाद था, ऐसे लग रहा है। भगवान राम का एक शास्त्र हुआ करता था जिससे आज गोल्ड मेडल मिला, क्या कहिए? वो तो है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि धनुष बाण ये भगवान राम का शस्त्र है और अयोध्या नगरी में आके जब गोल्ड मेडल जीतते हैं उसी शस्त्र से और उसी धनुर्विद्या में जब हम मेडल जीतते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी प्रभु श्री राम का हाथ है और आशीर्वाद है। मैं तीरंदाजी स्कूल टाइम से करता था पर अभी मैंने 3 साल पहले मैंने ITBP फोर्स ज्वाइन की है। तो अभी मैं ITBP को रिप्रेजेंट करता हूँ और अभी मैं ऑल इंडिया पुलिस की टीम से आया हूँ खेलने के लिए। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जैसे हम पहले दिन आए थे तो राम मंदिर घूम लिए थे, अभी एक बार जाते समय भी दर्शन करके जाएंगे और कल भी हम इधर घाट पे घूमे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा वेदर है और बहुत मस्त खाना वगैरह भी बहुत मस्त था। भगवान राम का आशीर्वाद मिल गया आपको? जी जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि भगवान राम का आशीर्वाद मिला। ऐसे लग रहा है कि भगवान राम खुद साथ थे इसीलिए आज गोल्ड मेडल जीत पाए। धन्यवाद यहाँ का और अयोध्या में आके बहुत अच्छा लगा। सीनियर नेशनल का अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, तो यहाँ का सब ग्राउंड और सब अच्छा था। मैंने आर्चरी स्टार्ट की उस टाइम, मतलब थोड़ी दिक्कतें आती है, सबको ही आती है, लेकिन कोच ने साथ दिया, मेरी फैमिली वालों ने साथ दिया तो मैंने अच्छा किया। अभी मैं अच्छा कर रही हूँ। खेती कर रहे हैं और आगे क्या करने का लगा? स्टार्टिंग में तो लोन पे लिया सब, उसके बाद नेशनल में और नेशनल गेम्स में मेडल लेके आई, यूनिवर्सिटी में मेडल लेके आई, तो उस मेडल के पैसे मिलते हैं हमें, उससे मैंने फिर मेरा सामान खरीदा और अभी मैं ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही हूँ। मेरा ट्रायल है जनवरी से। अभी तक आपने कहाँ कहाँ खेला है और किस तरह का पदक मिल रहा है? अभी तक मैं नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही खेली हूँ। मैंने इंटरनेशनल में एशिया कप में मेडल लिया है उज्बेकिस्तान में और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम थे अभी चाइना में, उधर हमने मेडल लिया, ब्रॉन्ज मेडल था मेरा। तो आगे जो है आप अयोध्या नगरी में है, यहाँ भी क्या कामना है आपका? अयोध्या में अच्छा लगा, मैंने मेडल जीता, ये तो और भी खुशी है, सर की मेहनत है। सर मेडल नहीं, 4 मेडल लेके जा रही है। कहाँ से कितने मेडल मिले हैं आपके? मैंने 4 मेडल लिए यहाँ से। इसके आगे क्या करने का आपका प्लान? अभी मेरा ओलंपिक ही है, जनवरी में हमारा ट्रायल शुरू हो जाएगा तो ओलंपिक के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तो ये इतनी मेहनत करके आज आप यहाँ पर पहुँची हैं, इसका श्रेय तो कोच को ही जाता है। मेहनत करवाते दिन रात हमें और फैमिली वाले भी साथ देते हैं कि अच्छा करो, आगे बढ़ो। अयोध्या से संदेश क्या देंगे आप? अयोध्या देखो, ये धार्मिक स्थल है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं तो पहली बार आई हूँ लेकिन यहाँ आने से अच्छा और लगा, मेडल जीतने के बाद तो और भी खुशी हो गई। देखिए, भगवान श्री राम का धनुष विद्या के साथ बहुत ही आत्मीय और घनिष्ठ संबंध रहा और अयोध्या में वो मैं समझता हूँ कि सबसे प्राचीन धनुर्धर के रूप में यदि कोई विख्यात था तो भगवान श्री राम थे। और हम जानते हैं कि जो है वो भगवान शिव के धनुष को
तोड़ने के पश्चात उनका सीता जी के साथ विवाह संपन्न हुआ था, और लंका पर जाने के समय जब समुद्र अपने जल को कम नहीं कर रहा था उस समय भी उन्होंने धनुष उठाई थी, तो उस धनुष विद्या के भीतर आज अयोध्या के में यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप होना या अपने में उस प्राचीन हमारा जो इतिहास रहा है उसको पुनर्जागृत करने का काम इस तीरंदाजी संघ ने किया है। मैं उनको अपनी ओर से बधाई देता हूं, और जिन हमारे बच्चों ने और बच्चियों ने इस प्रतिस्पर्धा के भीतर मेडल जीते हैं उन्हें भी बधाई है। अभी उसमें से कुछ खिलाड़ी हमारे एशियन गेम्स में गए थे, वहाँ से भी पदक उन्होंने जीता, और अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की भी एक खिलाड़ी अभी यहाँ पर दूसरे नंबर पर मेडल पाई है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए खेल के प्रभाव और उसके परिणाम जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लाए हैं और जो उसके लिए खेल नीति बनाई है उसका एक नमूना यहाँ पर दिखाई दिया है। मैं सभी को अपनी ओर से बधाई देता हूँ और आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इस जो हमारी प्राचीन विद्या है धनुर्विद्या, जो महाभारत काल के ज़माने में भी थी और रामायण काल में भी थी, उसको आप देश भर में फैलाइए, दुनिया में फैलाइए, ये निवेदन करते हुए बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।